अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी अंडा पराठा। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। आधा किलो हमने मैदे का आटा लिया है, इसमें आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक हम डाल देंगे और एक कप नीम गर्म पानी है, इसको हम थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर मिलाएंगे और आटा गूंद लेंगे। तरीके से हमारा आटा गूंद चुका है, तो 1 टेबल स्पून इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हाथों से फैला देंगे। और आटा हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। 1 घंटे के लिए हम इसको कवर कर रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है हमें, तो इस तरीके का ही हमें आटा चाहिए था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया है। इस तरीके से इसके ऊपर सूखा मैदा लगाएंगे। तो हमारे 5 पेड़े बन गए हैं। आधा किलो आटे से हमारे 5 पेड़े तैयार हुए हैं। सबसे पहले हमने सूखा मैदा छिड़का है। तरीके से हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेला है, जितना हो सके आपसे आप उसको इतना पतला कर दीजिए। अब इसके ऊपर अच्छे तरीके से आप घी लगा लीजिए, फिर सूखा आटा और थोड़ी सी इसके ऊपर आप कलौंजी डाल दीजिए। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दीजिए। और थोड़ा सा घी यहाँ पर भी आप लगा दीजिए। अब इस तरीके से आप इसको गोल गोल घुमाकर, घुमाने के बाद आप इस तरीके से अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से ये हमारा 1 पेड़ा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारे पेड़े को तैयार कर लिया है। 3 अदद हमने यहाँ पर अंडे लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्ची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, थोड़ा सा नमक है और 1 हरी मिर्च है और थोड़ा सा हरा धनिया है। तरीके से हमने ये 1 रोटी बेल चुकी है। ये बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं बेला है, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखा है।
तवा हमने मीडियम फ्लेम पर गरम करा है, ज़्यादा गरम नहीं है। अब हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हमें इसे हाफ कुक करना है और एक साइड पर निकालते जाना है। अब हम अपना दूसरा पराठा सेकेंगे। हमने हमारे सारे पराठे सेक लिए हैं और इस तरीके से हमने सारे पराठे आधे कुक करे हैं और आधे अभी अंडे के साथ पकाएंगे। थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है पैन पर, एक पराठा, और उसके साथ हमें ये जो अंडे का मिक्सचर हमने तैयार किया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से इसे फैला देंगे। अब हम इसको पलट देंगे और स्लो फ्लेम पर हम इस तरीके से इसे अच्छे तरीके से क्रिस्प कर लेंगे। टीस्पून ऑयल हम इसके ऊपर और ऐड कर देंगे ताकि हमारा अंडा भी अच्छे तरीके से पक जाए। हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, जिसको पसंद है वो इसके ऊपर ऐड कर ले, जिसको नहीं पसंद है वो ना डाले। तो ये हमारा क्रिस्पी सा अंडा पराठा बनकर तैयार है। तो देखिए ये हमारा क्रिस्पी सा अंडा पराठा बनकर तैयार हो गया है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के दुआओं में मुझे याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।